दोस्तों, मैं हूँ मनीषा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्चुअल गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये जो फूल है ऑरेंज लिली के हैं और ऑरेंज लिली बहुत कलर में आती है, तो मेरे पास व्हाइट, पिंक और येलो है। देखो इधर ये पिंक है, देखो पिंक को भी कितना कली निकली है, इसके खाली फूल कल खिलेंगे ये। और ये भी पिंक का है और ये येलो है, तो इनके ऊपर बारिश का थोड़ा भी पानी गिरता है तो इसमें फूल आना चालू हो जाता है। इसमें कितना भी डेली पानी दे दे तो भी इसमें फूल नहीं आते, लेकिन बारिश की थोड़ी भी बूंदे इसके ऊपर गिर गई तो नीचे से ऐसा कली आना शुरू हो जाता है। इस समर में भी जब बारिश आती है तभी भी इसमें फूल आ जाते हैं। और इसको पूरा धूप में रखने का, छा वाला पौधा नहीं है ये, पूरा धूप में चलने वाला पौधा है। और इसको बल्ब से कैसे लगाते हैं वो भी मैं दिखाती हूँ। लेकिन ये जो व्हाइट है इसमें सीड नहीं आते, मैंने देखा है, मैं 3-4 साल मेरे पास है, इसमें सीड नहीं आते। ये जो पिंक है, ये पिंक का फूल खिल जाता है, बाद में इसमें सीड आ जाते हैं। और येल्लो में सीड कैसे आते हैं वो दिखाती हूँ आपको। येल्लो में देखो फूल आया है, ये जो फूल मुरझा जाता है तो इसके नीचे सीड लगते हैं। देखो इसमें सीड कैसे बन गए हैं, बाद में वो ब्लैक हो जाते हैं। देखो इधर टूट के गिर गया नीचे, ऐसे ब्लैक कलर की इसकी सीड रहते हैं। एंड येलो को हम देखो ऐसे रहते हैं, देखो सीड देखो ऐसे निकालने का रहता है, देखो ऐसा, देखो सीड ऐसा निकालने का। और इसको है ना 1-2 दिन धूप देने का और तुरंत लगाने का, नहीं तो इसको रख देंगे ना हम, इसको फंगस लग जाता है। मैंने रखा था एक बार, इसको फंगस लग जाता है। तो ये थोड़ा 1-2 दिन इसको धूप देने का, ये बहुत हल्के रहते हैं, हवा से ही उड़ते हैं, उड़ के किधर भी गिर जाते हैं तो उधर फिर एक पौधा तैयार हो जाता है। लेकिन ये येल्लो का है, देखो येल्लो के हमेशा सीड निकलते हैं, लेकिन मैंने देखा व्हाइट के सीड नहीं आते, अभी तक आया नहीं है मेरे पास। मैं देखो मैं कैसे लगाने का वो भी आपको दिखाती हूं। ये मिट्टी में देखो रेत मिलाया है, और रेत है, खाद है और मिट्टी है, ऐसा सब आधा आधा लिया है। इसे रेत क्यों डाले तो इसको से पानी रुका नहीं चाहिए, ये जो कुछ हम बल्ब लगाते हैं ना उसमें पानी नहीं रुका, इसलिए इसने रेत का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा किया है। इसे एकदम भुरभुरी मिट्टी बनाई है देखो ये, और गीला हो गया है ना बारिश की वजह से, लेकिन एकदम भुरभुरी है, एकदम पानी नहीं रुकता इसमें थोड़ा भी। ये देखो ऐसे बल्ब है, ऐसे लगाने का, ऐसा ये ऐसा दबाने का, और ये बल्ब मल्टीप्लाई होते जाते हैं, ये गमला पूरा भरेगा देखो ये। ये जो रहता है ये नीचे करने का मिट्टी में, और ये स्प्राउट निकला है ऊपर करने का। ये देखो इसको ऐसा लगा दिया, ये जो है ना ऊपर दिखना नहीं चाहिए, ऐसा एकदम मिट्टी में इसे दबाने का ऐसा, और थोड़ा सा ऐसा मिट्टी डाले तो भी चलेगा साइड में से ऐसा। अभी बाद में सीधा हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा ये पूरा। और दोस्तों, इसमें हम लिक्विड फर्टिलाइजर में जो राख रहता है चूल्हे का वो पानी में डाल के डाल सकते हैं, और दूसरा ये एनपीके रहता है वो भी पानी में डाल के इनको दे सकते हैं। एक बार लगाने के बाद पहला तो लगाते हैं उस टाइम भी खाद रहता है, बाद में लिक्विड में वो खाद दे सकते हैं। और
आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।